यस, एनडीए में कंटिन्यू करते हैं। 2018 पेपर के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब हाइट एंड स्ट्रेंथ के 2 क्वेश्चन आए थे। हाइट एंड स्ट्रेंथ के क्वेश्चन इस बार थोड़े से लेंदी थे। अगर हम देखें तो कुछ टॉपिक में, जैसे हर बार हाइट एंड स्ट्रेंथ के क्वेश्चन सिंपल आते हैं, इस बार लेंदी थे। और मैं आपको पेपर भी उसी ऑर्डर में डिस्कस कर रहा हूँ कि बाद के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो, तो आपने इजी क्वेश्चन से टाइम बचाया और आप यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर सबस्टेंड एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ठीक है, आपने एक बैलून देखा और आपने ये देखा कि जिसका रेडियस आर है, सबस्टेंड एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। और सेंटर का जो एलिवेशन एंगल है वो बीटा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, है ना, निगलेक्टिंग द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। बिल्कुल क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। सपोज ये बैलून है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ से आपने जब बैलून को देखा तो ये एंगल मिल रहा आपको अल्फा, राइट। ये मान लीजिए पॉइंट है पी, ये मान लीजिए ए, ये टेंजेंट हो गई, ये बी, ये सेंटर हो गया जिसका रेडियस है आर। अब आप थोड़ा सोचिए, ये एक सरफेस हो गया, यहाँ से अगर इस सेंटर को ओ बोलें तो ये परपेंडिकुलर, ये आपसे पूछा है, राइट, सेंटर ऑफ द बैलून। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, ये एच पूछा है। पर ये एंगल कितना बन रहा है जब आप इसको देख रहे हो सेंटर के साथ, याद रखिएगा ये टेंजेंट का है। जब आपने यहां से देखा सेंटर पे, तो ये एलिवेशन आया बीटा। अब सबसे पहले याद रखिए, ये रेडियस है आर, ये टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगी, राइट। तो आप यहां पर, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा अल्फा बाय टू, ये कितना, अल्फा बाय टू। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन अल्फा बाय टू बताइए, तो आप बोलते आर अपॉन, आर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्योंकि 90 है, तो क्या बोलते हैं आप, ओपी, या ऐसा भी बोल सकते हैं ओपी इक्वल टू आर अपॉन साइन अल्फा बाय टू, राइट। ये वाला अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहां से जो एंगल बन रहा है इस और इस एंड से, जब आप बैलून को देख रहे हैं तो वो एंगल था अल्फा, तो हमने एक सेंटर से डाला तो अल्फा बाय टू हो गया। और ये नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर एंगल बनाएगी 90 डिग्री, तो अगर ये अल्फा बाय टू है तो साइन थीटा लिया तो आर अपॉन, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपने इस वाले बीटा एंगल की बात कर रहे हैं जो आपको बताना है। तो अब अगर मैं यहां पर आपको बोलूं, ये हाइट बतानी है एच, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन बीटा क्या होगा, तो आप बोलते एच अपॉन ओपी, तो एच इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए एच इक्वल टू हो गया, क्वेश्चन टफ नहीं था, ओपी साइन बीटा, और ओपी की वैल्यू डाल दीजिए तो आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा बाय टू, यही आंसर ए में दिया, दिस इज द राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाइट एंड स्ट्रेंथ का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझते हैं। इफ अ फ्लैग स्टब 6 मीटर हाइट प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, एक कोई टावर है, सपोज ये कोई टावर है, राइट, ऐसा बना लेते हैं, ये मान लीजिए कोई एक टावर है, मुझे इस साइड से आदत है, कहीं से बना लीजिए, इसके ऊपर एक आपने फ्लैग लगाया जिसकी हाइट, इस चीज की हाइट आपको दी है 6 मीटर, इस फ्लैग, इस टावर की हाइट नहीं पता, ये एच है, यहाँ कहीं आपका सन है जिससे शेडो बन रहा है। अब देखिए क्या होगा, शेडो बनेगा तो इसका टावर का भी होगा, टावर का शेडो मान लो एंड यहाँ हो रहा है सपोज, और फ्लैग का शेडो का एंड सपोज ये हो रहा है, ये हो गया, तो इनका डिस्टेंस दिया है 2√3 मीटर, ये नहीं पता कितना है, तो इसे हमने मान लिया एक्स। अब आपको ये बताना, अच्छा ये दोनों पैरेलल लाइन होगी तो आपको ये थीटा बताना है कितना होगा सन का, मतलब सन ने कितना एंगल बनाया होगा। एक बार फिर क्वेश्चन समझिए, एक टावर है जिसके ऊपर आपने एक फ्लैग लगाया, फ्लैग की हाइट थी 6 मीटर, यहाँ पर सन है, सन का शेडो आ रहा है जिसका कि लेंथ दिया, देखो थ्रो अ शेडो ऑफ 2√3 मीटर अलॉन्ग अ ग्राउंड, देन वॉट इज द एंगल ऑफ द सन, तो एंगल ऑफ सन बताना है, तो पहले इस टावर का शेडो का एंड हुआ तो इसका इनिशियल पॉइंट हो गया 2√3, तो ये एंगल बताना है। तो एक काम ये करते हैं कि टेन थीटा कितना हो गया, अगर हम देखें तो एच अपॉन एक्स, राइट, और यहाँ से अगर इसका देखें तो टेन थीटा इक्वल टू, आपको थीटा ही बताना है, टेन थीटा इक्वल टू 6 + h / 2√3 + x, राइट। अब टेन थीटा की जगह आपने रख दिया ये एच अपॉन एक्स इक्वल टू 6 + h / 2√3 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए h × 2√3,
एच इंटू टू रूट थ्री प्लस ऑफ एच एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस एच एक्स, एच एक्स से एच एक्स कैंसिल। अब देखिए h अपॉन x निकालना आपको, तो h अपॉन x एक तरह से आ गया थ्री, टू का डिवाइड हो गया सिक्स अपॉन टू रूट थ्री, मीन्स लॉजिकली देखें हम तो ये कैंसिल हो गया, तो थ्री अपॉन रूट थ्री यानी रूट थ्री, तो यहाँ पे रूट थ्री रख दीजिए, टेन थीटा आ गया रूट थ्री, इसका मतलब ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज 60 डिग्री, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर, ओके, अल्फा बीटा रियल नंबर एंड जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है इस इक्वेशन का, जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, इस पर अल्फा बीटा रियल नंबर है, हैज टू डिस्टिंक्ट नॉन रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट नॉन रियल रूट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता है कि जब भी रूट इरेशनल होते हैं या कॉम्प्लेक्स, वो कॉन्जुगेट होते हैं। अगर सपोज एक रूट है ए प्लस रूट बी, तो दूसरा हमेशा ए माइनस रूट बी होगा, यहाँ तो नॉन रियल बोला है। तो अगर एक अल्फ मान लो एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो दूसरा कन्फर्म है एक्स माइनस आयोटा वाई, हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म में होते हैं, यही उसका कीवर्ड था। विथ रियल जेड वन, जिसका रियल पार्ट वन है, इसका मतलब आप रूट ऐसे बोल सकते हो, वन प्लस आयोटा वाई, वन माइनस आयोटा वाई, ये इसके रूट है। एक अब अल्फा बीटा यहाँ लिखा, तो आप कन्फ्यूज मत होना, ये अल्फा बीटा ही रहन, देन इज इट नेसेसरी। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको बीटा में रिलेशन बताना है क्या होगा, तो अगर मैं इन रूट का प्रोडक्ट करूँ, वन प्लस आयोटा वाई इन टू वन माइनस आयोटा वाई, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा सी बाई ए, तो बीटा, तो वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बीटा, यानी बीटा की जो भी वैल्यू होगी, बीटा की जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर रियल है, y तो रियल नंबर है, वो 1 से बड़ी होगी, क्योंकि 1 प्लस वाई स्क्वायर है, y की वैल्यू 0 भी तो 1, तो हम बोल सकते हैं बीटा बिलोंग टू 1 टू इनफिनिटी। आपने क्या करा, एक रूट मान लो इसे मैं बोल रहा हूँ p, इसे q, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए, तो वो बीटा स्क्वायर के, बीटा के इक्वल आ रहा है, सॉरी, तो बीटा के इक्वल आ रहा है, तो बीटा इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी बीटा की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। तो करेक्ट आंसर इज 1 टू इनफाइनाइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द परपेंडिकुलर दैट फॉल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन टू एक्स प्लस 11 बाय इक्वल टू 5 अपॉन द टू स्ट्रेट लाइन, ये टू स्ट्रेट लाइन दिए हैं, देखो मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। टू स्ट्रेट लाइन दिए, 2x 24x प्लस 7 बाय माइनस 20 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन कहीं पे भी हो सकती है, हो सकता है ऊपर हो नीचे हो या यहाँ ऐसी हो, कोई भी हो सकती है। क्या दिए, 4x माइनस 3 बाय माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एनी पॉइंट बोला है, राइट, तो क्यों ना हम एक काम करें, कन्फ्यूजन ही ना हम इसको, अगर सपोज मैं वाई की वैल्यू 0 ले लूँ, तो एक्स क्या आ गया 5 बाय 2 कॉमा 0, ये पॉइंट कर पर ये देखिए रख दीजिए इस पर 5। अब इससे अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूँ, मान लो ये पी पॉइंट है, ये ए पी ए, तो पी ए कितना होगा आप बताइए, 24 इंटू 5 बाय 2, ये 0 हो गया, माइनस 20 अपॉन इनका स्क्वायर 576 प्लस 49 यानी 625 का 25, ये कैंसिल 12, 60 40 बाय 25 मतलब 8 बाय 5। अब इसी पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दो, जिसे हम पी बी बोलें, कहीं पे भी हो सकता है, तो 4 इंटू 5 बाय 2 माइनस 2 अपॉन 16 प्लस 9, ये हो गया कैंसिल 2 टाइम 10, 8 बाय 5। देखिए ये भी 8 बाय 5, ये भी 8 बाय 5, यानी इक्वल टू ईच अदर इज राइट आंसर। अब आप ऐसे पॉइंट ढूंढते तो मुश्किल होती है, वाई की वैल्यू 0 रख के एक्स निकाला, या एक्स की वैल्यू 0 रख के वाई निकालो, एनी पॉइंट बोला है, तो कहीं से भी अगर इस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो क्या रिलेशन होगा। नॉट इक्वल टू इच अदर तो वैसे भी नहीं होता, क्योंकि ये दो ऑप्शन ऐसे थे कि अलग अलग दिए थे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं था, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन द पोर्शन ऑफ इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस इज डिवाइड बाय द पॉइंट 2, 3। इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस, कहीं नहीं बोला एक्स पहले वाई पहले, ऐसा क्वेश्चन है, सोचिएगा थोड़ा, समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इंटरसेप्ट हो गया ए, ये इंटरसेप्ट हो गया बी। द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन द पोर्शन ऑफ इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस डिवाइडेड बाय द पॉइंट 2, 3 इन द रेशियो 3:2, ऐसा भी हो सकता है, और 3:2 ऐसा भी हो सकता है। वैसे नॉर्मली x से y पे जाते हैं, पर क्योंकि दो ऑप्शन दिए इसलिए हम ऐसा सोचेंगे भी बाद में। अब इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए a 0 है, इसके 0 भी है, तो देखिए आप खुद ही बोलेंगे 2 इक्वल टू 2a अपॉन 5, देन a इक्वल टू 5, 3 इक्वल टू 3b अपॉन 5, देन b इक्वल टू 5।
इसका मतलब अगर इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन हमें पता है तो x प्लस वाई इक्वल टू फाइव, एक इक्वेशन ये आ गई जो दो ऑप्शन में है, तो ये दो तो रिजेक्ट ही हो गए, ख़त्म कहानी। अब या तो ये होगा या ये होगा। नॉर्मली यही तरीका है, यही ऐसे ही रेशो लेते हैं, पर एक तो टू ऑप्शन दिए और क्लियरिटी नहीं है कि किस ढंग से, तो ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता था 3:2। अब अगर 3:2 है तो क्या होगा देखते हैं। 2 इक्वल टू, अब देखिए 3a हो जाएगा, 3a बाई 5, देन a इक्वल टू 10 बाई 3, एंड इधर हो जाएगा 3 इक्वल टू 2b बाय 5, देन b इक्वल टू 15 बाय 2, राइट। अब ये अगर मैं रख दूँ x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, तो 3x बाय 10 प्लस 2y बाय 15 इक्वल टू 1, एलसीएम आ गया 30, तो 9x प्लस 4y इक्वल टू 30, ये राइट। तो डी इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्पेयर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 3D बेस्ड क्वेश्चन है। और देखिए एक चीज बोलूंगा मैं, आप जब मेरे साथ मैथ्स पढ़ोगे आपको मैथ्स कभी डर नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, और टारगेट ही होना चाहिए 80-90 तक। अगर इस पेपर में किसी भी रीजन से आपके मैथ्स में स्कोर कम हुए तो मैं बोलूँगा इमीजिएटली आप डिस्कशन करो, मुझसे बात करो, इम्पीटस गुरुकुल की वेबसाइट पे विजिट करो, और मैथ्स को किस ढंग से पढ़ना है ये समझो, और अपने स्कोर नेक्स्ट पेपर में 80-90 तक राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट लो, यानी 250 प्लस स्कोर करने की कोशिश करिए। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, स्पेयर ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस आर, ठीक है, थ्रू द ओरिजन इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी, ठीक है, इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी बोला है, ऐसा है, मान लीजिए ये ए पे, अभी आप डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए ऐसा बना लेते हैं, बी 0 0 0 बी 0 एंड 0 0 सी, कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ओरिजिन से जाता है, ओरिजिन से कभी भी कोई कर्व जाए तो कांस्टेंट टर्म जीरो होता है। व्हाट इज द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पूछा है एक तरह से, तो अगर हम देखें तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट अगर एच के, राइट, कुछ भी यू वी डब्ल्यू ले, यू वी डब्ल्यू मत लीजिए, पी क्यू अगर आर ले लूँ मैं, तो इसका मतलब पी इक्वल टू होगा ए बाय थ्री, क्यू इक्वल टू होगा बी बाय थ्री, और आर इक्वल टू होगा सी बाय थ्री, राइट। अब सर्कल की इक्वेशन क्या होती है समझिए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस टू, सर्कल नहीं स्क्वेयर सॉरी, 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस cd इक्वल टू 0 या सी। अब d की वैल्यू तो 0 हो गई क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजन है। अब इंटरसेक्ट मान लीजिए x एक्सिस को कर रहा है तो यहां पर इसको सेटिस्फाई करेगा, तो देखिए आप क्या करेंगे, a सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे जिससे कि रेडियस का निकले डिस्टेंस, रेडियस आपको पता है r है, तो a स्क्वायर ये 0 ये 0 प्लस 2ua ये सब 0 है, तो यहां से u का वैल्यू आ गया माइनस ए अपॉन टू, राइट। ऐसे ही v भी आ जाएगा -b/2, और ऐसे ही यू वी डब्ल्यू भी आ जाएगा -c/2, राइट। रेडियस क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर प्लस सॉरी यहाँ पर सर्कल से मैं कंपेयर करता हूँ इसलिए ऐसा लिख देता हूँ, यू स्क्वेयर वी स्क्वेयर डब्ल्यू स्क्वेयर माइनस ऑफ डी, और ये रेडियस दिया है, पर क्योंकि डी जीरो है तो आप यहाँ पर बोलोगे आर इक्वल टू ए स्क्वेयर बाय 4 बी स्क्वेयर बाय 4 सी स्क्वेयर बाय 4, और अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ तो एक तरह से आर स्क्वेयर मिल गया ए स्क्वेयर बाय 4 प्लस बी स्क्वेयर बाय 4 प्लस सी स्क्वेयर बाय 4। अच्छा, ए बी सी की वैल्यू इन टर्म ऑफ पी क्यू आर रख दो, पी क्यू आर मतलब जिसका लोकस निकाल लो, बल्कि इसको एक्स वाई जेड बोल दो, मैं बोलूंगा इसके तो लोकस निकालना है ना, तो टाइम वेस्ट मत करो, एक्स वाई जेड। तो जैसे ही आपने रखा तो ये हो गया 4r² इक्वल टू, राइट, एलसीएम लेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 9 टाइम्स ऑफ x² प्लस y² प्लस z², तो देख लीजिए ऑप्शन कहां है, 4r² इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ x² प्लस y² प्लस z² इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर वेक्टर सच दैट डिटरमिन, वो वेक्टर ए का मॉड दिया है 2, वेक्टर बी का मॉड दिया है 7, ए क्रॉस बी दिया है दिस वन, व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा है, तो हमको रिलेशन पता है ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है वेक्टर ए स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलर स्क्वायर के इक्वल होता है ए डॉट बी का स्क्वायर। ये रिलेशन अगर आपको याद है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे निकाला जा सकता था मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इन टू एन कैप,
स्क्वायरिंग करते हैं, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है। देखिए मैं आपको जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसमें हो सकता है कई लोगों को सॉल्यूशन एकदम से समझ में ना आए, उसका रीजन ये हो सकता है कि फाउंडेशन अच्छे से नहीं किया, तो मैं ये सॉल्यूशन का बेस पहले डेवलप करवाया हुआ फाउंडेशन जो पूरा पढ़ाया उसके बाद इन क्वेश्चंस की सॉल्विंग अप्रोच बनेगी आपकी, बिना बेसिक के नहीं बन पाएगी। अब यहाँ पर देखिए इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो 1 माइनस कॉस का थीटा, उससे ओवरऑल रिलेशन ये आएगा। अब अगर किसी वैक्टर का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है, अगर मैं बोलूँ इसका मॉड लो आपसे तो आप बोलते हैं 9 + 4 + 36 यानी 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया 49, मॉड 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 × 49 माइनस, इसको आप ऐसा लिखो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे एंगल निकल आएगा राइट। तो ये एक तरह से इधर लाया आप तो ये फिर हो गया 4 × 49 इक्वल टू ये वहाँ पे जाके ट्रांसफर हो गया तो 49 कम हो गया तो 3 × 49, तो एक तरह से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 3/4 या कॉस थीटा इक्वल टू आ गया √3/2, तो थीटा अपने आप ही π/6 आ गया राइट, π/6 आ गया क्योंकि कॉस में √3/2 30° की वैल्यू होती है राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, व्हाट इज द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ऑफ अ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए फोर्स ये दिया हुआ है 3i + k एक्टिंग थ्रू द पॉइंट 2i − j + 3k। याद हो आपको इसको थोड़ा सा समझ के करिएगा, ये फोर्स है अबाउट अ पॉइंट ओ है i + 2j − k एक्ट ऑन अ पार्टिकल, क्या दिया है पार्टिकल 2i − j + 3k, क्या फॉर्मूला होता है ओ ए क्रॉस एफ वैक्टर मोमेंट का, तो ओ ए कितना है ये ए है, ये फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है ओ ए, तो ए माइनस दिस तो आई −3j + 4k, इसमें अब साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए ijk राइट ओ ए 1 − 3 = 4 एंड 3 0 एंड ijk 0 एंड k, देखिए क्या हो जाएगा −3i, देखिए −3i एक ही में है, फिर 12 − 1 +11j + 9k, दिस इज द राइट आंसर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए वेक्टर का ये a प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर इक्वल टू 0, a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a का रिजल्ट लैम्डा b क्रॉस c है, तो आपको बताना लैम्डा क्या होगा। देखो तो b क्रॉस c तो यहाँ है ऐसी रहने दो, a क्रॉस b को भी इन टर्म ऑफ b क्रॉस c निकालो, c क्रॉस a को भी इन टर्म ऑफ, कैसे निकालेंगे इसको जैसे ये दिया a प्लस, अच्छा एक चीज याद रखिएगा पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो अगर मैं मान लीजिए a का मल्टीप्लाई करूँ ए क्रॉस, अब ये आप हो सके तो ये स्टेप्स को अवॉइड करिएगा, ये वाली ए क्रॉस ए 0 हो गया, ये हो गया 2 × b × c + 3 × a × c = 0 राइट। यहाँ पर भी जो पहले आया वेक्टर वो आएगा, वेक्टर में ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है ए क्रॉस b राइट, ये आपने मल्टीप्लाई किया ये हो गया 0, ये हो गया ए क्रॉस b, यहाँ पर हो गया ये a क्रॉस c। अब मान लो मुझे a क्रॉस b की वैल्यू निकालनी है तो 2a क्रॉस b, देखिए सबसे पहले आपने क्या किया a क्रॉस का मल्टीप्लाई किया तो a क्रॉस a 0, 2 × a क्रॉस b 3 × a क्रॉस c राइट। इस रिजल्ट को रख लेते हैं, अभी एक बार हम इसी में हम b का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हम c, ये मिल गया हमको a क्रॉस b, अब ऐसे c का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो c का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा c क्रॉस a, इसमें किया तो +2 × c × b +3 × c × c 0 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0। तो एक तरह से यहां पर आपको c क्रॉस a का वैल्यू मिल गया कितना −2 c × b या ऐसा भी बोल सकते हैं c क्रॉस a इक्वल टू 2 × b × c यानी यहां पर इसको 2 times लिख देंगे हम राइट। अब रहा केवल, और देखिए यहां पर भी रख देंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगी, देखिए यहां पर आप वैल्यू रखेंगे a क्रॉस c की, तो यहां पर ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिएगा, ये आपने रिजल्ट निकाला c क्रॉस a इक्वल टू 2 times of b क्रॉस c, यहाँ पर रिजल्ट है
टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी है, देखिए तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। इसमें आप चाहो तो ये ए क्रॉस सी का वैल्यू कितना, देखिए ए क्रॉस सी का वैल्यू है अगर इसको कर दें तो माइनस ऑफ टू बी क्रॉस सी। तो चाहे तो आप लिख सकते हैं प्लस थ्री, और ये हो जाएगा ए क्रॉस सी की जगह रखा तो माइनस ऑफ सिक्स बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो, यानी ए क्रॉस बी का वैल्यू आ गया थ्री टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी, राइट। तो इसकी जगह लिखा थ्री टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी, ये प्लस बी क्रॉस सी पहले ही था, और इसकी जगह सी क्रॉस ए की जगह टू टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी, तो ऐड किया तो टोटल आ गया सिक्स। तो करेक्ट आंसर इज सिक्स टाइम। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना था, बी क्रॉस सी को के टर्म में इससे निकालना था। तो एक बार मैंने इसमें ए क्रॉस का मल्टीप्लाई किया, एक बार इसमें मैंने सी क्रॉस का मल्टीप्लाई किया, और ए क्रॉस बी को भी और सी क्रॉस ए को भी इन टर्म ऑफ बी क्रॉस सी फाइंड आउट किया, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द नंबर्स। ये क्वेश्चन खैर आप भी कल, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ टर्म के नहीं है। देखिए इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन होती है मिडिल मोस्ट टर्म। अब मिडिल मोस्ट टर्म में अगर जैसे फाइव टर्म है तो थर्ड टर्म होगा, पर 10 है तो दो होंगे। तो पहले काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 टर्म है। तो 12 टर्म का मतलब हो गया कि मिडिल क्या हो जाएगा, 6 और 7 टर्म। एक रूल याद रखिएगा, इसके पहले और इसके बाद में नंबर ऑफ टर्म बिल्कुल इक्वल ही बचने चाहिए, जैसे 5, 5। तो 6 और 7 टर्म का एवरेज आपको लेना है, बट पहले से असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी एक ऑर्डर में करो तो 7 टर्म तक करना। तो सबसे पहले नेगेटिव आएगा -4.8, नेक्स्ट जीरो, जो लेते जाओ उसको कट करते चलना। फिर नेक्स्ट आएगा 2.3, राइट, 2.3 के बाद आएगा 3.5 के बाद आएगा, थोड़ा देख लीजिएगा आप कहीं पे कुछ गड़बड़, 3.9, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक हो गए। अब आपके दोनों काम के हैं, 3.9 के बाद आएगा 4.6, राइट, 4.6 के बाद आएगा 5.2, बस क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म, उसके आगे मत लिखो। 4.6 प्लस 5.2 अपॉन 2, तो ये हो गया 9.8 बाय 2, यानी 4.9 इज अ राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।